बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आसिफ इनाम साहब के ऑफिस में मौजूद हैं और जितने भी हमारे कॉटन बिजनेस फोरम्स हैं वो सब बहुत अच्छे से आसिफ साहब को जानते हैं कितना ये एग्रेसिव है। ये इस बिजनेस में 1982 है और वन ऑफ द लीडिंग बायर्स भी हैं मार्केट के, और मार्केट की बड़ी पल्स भी रखते हैं, नॉट ओनली कॉटन मार्केट बल्कि पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इशूज हैं इनका बहुत डीप होम वर्क है। और आजकल एक बड़ी प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट पे भी हैं, चेयरमैन एप्टिमस साउथ हैं। इस लिहाज से बहुत रेलिवेंट पर्सनालिटी हैं जो आज कल हमारे यहाँ कॉटन इशू चल रहा है, जो सिर्फ बीच की हद तक नहीं है, इट्स फ्रॉम नीचे से लेके ऊपर तक एक कंप्लीट चेन है और हर चेन में कोई ना कोई बुरानी कैफियत है। यहाँ पे कहीं पे गवर्नमेंट आया, कहीं पे एप्टिमा है, कहीं पे PCG है, कहीं पे किसान खाद का इशू है, कहीं पे इंडिविजुअल कहीं पे इदारों के फेल होने का एक तसव्वुर है। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ आसिफ साहब आपको। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बिजी आदमी है और आज टाइम मिला, और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से टाइम में मैक्सिमम इनके साथ में गुफ्तगू करके किसी नतीजे पर हम पहुँचे जो आजकल हमारे पास हो रहा है। सर, आपकी शख्सियत तो माशाल्लाह पूरी कॉटन मार्केट जानती है, पूरी कॉटन ट्रेड जानता है, और बल्कि आप नेशनल लेवल के ऊपर भी एक सेलिब्रिटी हैं। सर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये बहरान क्या है, मतलब सीड का बहरान है, कोई इदारे की नाकामियां है, PCG की है, एप्टिमा की नाकामी है, गवर्नमेंट की नाकामी है कि हम 1,47,00,000 बेल करते हैं 2014 में और अब हम 55,00,000-56,00,000 बेल भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स है। पिछले गवर्नमेंट की या पिछले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, उसमें हमने रिसर्च की अहमियत को रियलाइज करते हुए और गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज करते हुए कि इंस्टीट्यूट जो है उन्हीं के हाथ में दिए जाएँ जिन्होंने इससे फायदा उठाया, तो उन्होंने हमें पूरी PCC ट्रांसफर कर दी थी, करने का इंडिया दे दिया था। और 6 महीने जो है एप्टिमा की तरफ से जो है वो डिप्टी चेयरमैन जी सिद्धार्थ अली खान साहब रहे, उसके बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने आपकी सबसे पहले जो है उसको रिपोर्ट कर दिया 2013 तो 2013 में जैसी मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई उन्होंने 2-3 महीने में उसे रिपोर्ट कर दिया और उसको पुराने सिस्टम पे भी जो सिस्टम था उसमें हमने वॉलेंटरीली 20 रुपये से 50 रुपये प्रपोज किया था कि ये 50 रुपये करके जिसको आप सेस कहते हैं, जिसको सेस को हमने वॉलेंटरीली एक्सेप्ट किया था। अगर हम गवर्नमेंट के साथ एक रिसर्च पैकेज तय किया था कि ये इदारा हमें सुनते फसल भी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑनवर्ड की बातें होंगी, तो चूंकि नई गवर्नमेंट ने आपने उसको रिवर्स कर दिया था और वो समझे कि 50 रुपये जो है वो ये जो हमारा बर्थ राइट हो गया है और वो हम कोर्ट में चले गए क्योंकि हमारा एंड ऑफ बार्गेन तो पूरा नहीं हुआ था। तो हमने उसको बॉर्डर हमें खुद नहीं चलाना था, हमने तो सिर्फ CEO और उसकी सारी मॉडलिंग और प्रदूषण वगैरह से सब रिसर्च और ये तमाम हो गए सब फाइनल हो गया था, वो फिर हुआ नहीं। तो अब ये सारी बातें रिसर्च के लिए दिए गए थे, कोई पेंशन दिया, मतलब कोई वो इस तरीके से तो नहीं था कि कोई इदारा हो जो कोई परफॉर्म, ये एक वॉलंटियर एक्ट था आप लोगों की तरफ से सेस को देना, जो आज बढ़ाना पहले 20 रुपये था वहां से आपने 50 किया, 50 किया था ऑन द बेसिस कि ये रिसर्च का जो इदारा है ये एप्टिमा इसकी मैनेजमेंट पहला ही बड़ा सेंसिटिव पॉइंट आपने छेड़ दिया है, जो कि सीड वाले जितने भी इदारे हैं रिलेटेड है PCC है या CCRI वो सब ये कहते हैं कि हमें चूंकि सेस नहीं मिला 2.5 अरब रुपए एप्टिमा की तरफ वाजिब अदा है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, जो कोर्ट का डिसीजन है वो यही है कि जो गवर्नमेंट ने एंड ऑफ अपने बार्गेन नहीं रखी, उन्होंने आपके सिंगल स्ट्रोक ऑफ उसके बाद इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया इस डिसीजन, नहीं वो चैलेंज कर ही नहीं सकते ना। अच्छा, डिसीजन में कोई होगा तो चैलेंज करेंगे ना, और सेस तो वॉलंटरीली बढ़ाया था उन्हें नहीं किया, फिर इन्होंने इंपोर्ट रिकॉर्डर तक पे सेस लगा दिया था वो भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोई सीट एक्ट ही यही है जो मुल्क में पैदा होगी उसके उसके ऊपर ही सेस लेंगे। फिर हमने इनको बड़े समझाने की कोशिश की, देखिए हमारे यहाँ डाइवर्जन बहुत की जाती है, कहा जाता है किसी और को और होता है कोई और निशाना। जैसे हमने सबसे पहले तवज्जो दिलाई कि जी रोड का मसला व्हील है, आप देखें पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो जैसे कहते हैं ना पिच पे लिपस्टिक लगा के कि 1% ड्यूटी लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, वो उससे कोई मटीरियल बेनिफिट नहीं था, उससे बल्कि स्पिनिंग को नुकसान पहुंचा, यहाँ ड्यूटी फ्री आ रहा था उस जमाने में, तो इंडिया से भी ट्रेड थी, इंडिया में कई स्पिनिंग में तो बेस हुई थी उससे पाकिस्तान को यहाँ देना था, और उसका वजह ये थी कि जो छोटी मिले हैं वो मजदूरों ड्यूटी पेड भी मंगा रही थी और यहाँ ड्यूटी फ्री आ रहा था। ओके, तो वो आपको पता है कि वेरी फ्रेंडली टूवर्ड दी इंडियन, उनका अपना जो है वो जो पिछली रेजिम थी तो उनका तो मतलब कोई इसमें एम नहीं था। ठीक,
तो उसी दौर में आप देखेंगे 2013 में धान की इम्पोर्ट तकरीबन जीरो थी और जब वो गए तो 14-15 हज़ार टन धान की इम्पोर्ट है। यानी वी आर मोर और लेस नाउ ऑलमोस्ट नो एक्सपोर्टर। अगर आप नेट ऑफ करें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को तो हमारा यहाँ 10,000 रह गया जो तकरीबन 1/7 रह गया। यानी आप समझे 15% ऑफ व्हाट वी वर इन 2013 जो हम इम्पोर्ट करें जो हम इम्पोर्ट। और आप वियतनाम का मॉडल देखें तो इस वक्त चाइना को सबसे बड़ा सप्लायर वियतनाम है यहाँ और वो सारी कॉटन बाहर से। सर इस वक्त जो एप्टमा पे सबसे बड़ी एलिगेशन कह लें या एक परसेप्शन हर जगह पे प्रिवेल कर रहा है और ये बड़ी हम एक डिस्कशन एकेडमिक डिस्कशन है कि आप लोग बेसिकली वियतनाम और बांग्लादेश मॉडल को आइडियलाइज करते हैं। नो, व्हाट वी आर सेइंग वी आर नॉट आइडियलाइजिंग। अब समबडी विल से कि जी गुरुर की कॉटन पैदा नहीं होगी तो टेक्सटाइल नहीं चलेगी। दैट इज द आंसर टू दैट कि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज विच आर सर्वाइविंग विदाउट कॉटन। ठीक है, गुरुर कॉटन ग्रो करे और वायबली ग्रो करे और उसकी ग्रीन बहुत अच्छी हो, ये दोनों चीज़ों को आप मिक्स ना करें। इफ़ यू विल से टू मी कि जी पाकिस्तान में कॉटन नहीं होगी तो टेक्सटाइल नहीं होगी तो उसका जवाब बांग्लादेश और वियतनाम। ओके, अगर आप ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान में कॉटन लेंगे जितनी ज़्यादा होगी उतना हम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, उतना हमारे मुल्क का फॉरन एक्सचेंज बचेगा, उतने हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी, तो येस दिस इज ट्रू। उसमें आपको कोई वियतनाम का जवाब भी नहीं देगा। ओके, इट्स ऑल डिपेंड ऑन वॉट यू आस्क। अच्छा नहीं, मेरा जो इस परसेप्शन के पीछे एक है कि ये बात तो ठीक है, हमने एक डिस्कशन और वैसे भी है कि मुल्क के अंदर कॉटन का रॉ कॉटन जिस जगह उसका पैदा होना उसकी यील्ड या ये उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्टमा पे नहीं है। उसकी मैं मिसाल भी देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर स्पिनिंग है ही नॉट अ सिंगल बेल विच इज स्पन इन ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द हाईएस्ट यील्ड इन द वर्ल्ड। मुझे तो सिर्फ आप ये कहेंगे कि जितनी कॉटन इम्पोर्ट कम करनी पड़ेगी, अभी जब तक हम 1.5 करोड़ पे नहीं पहुंचते हम 15% ग्रोअर को ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। आप कहेंगे जी 1.80-1.90 करोड़ हो जाए हमारी कंजन 1.60 लोग, वो दिन वो होगा कि जब हमें बाजार भाव से रूई मिलेगी इंटरनेशनल रिप्लेसमेंट पे। आज हम कैलकुलेट करते हैं कि जी लोकल 10,000 है, बाहर से सारे खर्चे डाल के अमेरिका से किराया और सब कुछ डाल के हमें पड़ती है अगर 9,500 में तो हम बोलेते हैं बताइए है। तो उनको किराया और हर चीज बच जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है, ये आप लोगों का जो भी कैलकुलेशन है इम्पोर्टेड कॉटन की और लोकल कॉटन की वो इसी चीज पे बेस करती है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर लोकल कॉटन आप चूंकि खाली एक टेक्सटाइल मिल नहीं चला रहे, आपका एक स्ट्रेटेजिक के ऊपर भी काफी आपकी नॉलेज है, आप मुझे एक बात कही, अभी LNG का एक केस हुआ जो दुबई ने बैकआउट किया और पाकिस्तान जिसके ऊपर फरवरी ऑनवर्ड्स आपको LNG जो है वो शॉर्ट और यह रोक दी गई, सही कह रहा हूँ। जो भी स्कैंडल था, कल आपके साथ यही स्कैंडल हो कि आप जिस तरह के पॉलिटिकल कंडीशंस में रह रहे हैं या स्ट्रेटेजिक कंडीशंस में रह रहे हैं, आपके सैंक्शंस कुछ भी हो और आपके इतने ह्यूज ऑर्डर्स हो और आपकी लोकल कंजप्शन कुछ भी ना हो, तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? देखिए खुदा ना खास्ता के ऐसी सिचुएशन आए, दुबई का तो एक पार्टी का डिफॉल्ट था ना, उसको रिकवर था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने उसको हेल्प कर रिजॉल्व भी करा दिया। तो अब आप देखेंगे जो नई गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, देखिए हमारा एप्टमा को कोई काम नहीं था कि वो IPP को काम करें। कई लोग मुझसे कहते थे कि आप IPP की बात करते हैं कि उससे एप्टमा के काम करें, उसका एप्टमा नहीं उसकी सारी इंडस्ट्री जब आप कॉस्ट बेस ही आपके पड़ोसी मुल्क में इम्पोर्ट की, जो चीज़ हमारे यहाँ जो इंडिया में 4.5 सेंट का लगा या जो प्लांट बांग्लादेश में 4.5 सेंट का गोल का लगा, अगर यहाँ 8.5 लगे वो कॉम में अभी तो करप्शन ये नहीं है, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन खराब होगी और हमेशा हमें इंडस्ट्री के ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर रहेगा। इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है इस मामलों में क्योंकि ये सब चीज़ों को साफ करिए। आपने LNG देखा 31% चीप थी जबकि आज मैं समझता हूँ बायर के लिए मार्केट ज़्यादा खराब है, इट्स अ टाइट मार्केट एज कम्पेयर टू 5 जो पहले थी। नहीं, अब आप मुझे ये बताएंगे अगर खुदा ना खास्ता ये कोई टाइम ऐसा आ जाता है और आपकी लोकल जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती, अब आप सीधे आ जाएं लोकल पैदावार कैसे करें। देखिए पहली बात ये कि 15 दो चीजें 15 मंथ पढ़ाई कैसे जाए ये सेफ कैसे थी दोनों चीजें ना, मतलब पैदावार बढ़ने में दोनों फैक्टरी एंड यूजर आप हैं। नहीं सेफ में तो आप स्टॉकिंग करके भी कर सकते हैं, सेफ से मतलब जब मैंने जिंदगी की जो पहली लॉट उठाई थी 1982 में उठाई थी
ये सामने सी सी मुझे आज तक याद है, पता नहीं सी फोर था या सी ग्यारह, वहाँ मैंने नोट खुद दिलवाई थी और वो 1978 की थी जो मैंने 1982 में उठाई थी। टेक्सटाइल में लगने से पहले रुई का ये हाल था, चार साल पुरानी भी रुई बिक रही। अब आप मुझे बताएंगे जो अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यील्ड कैसे बढ़ाई जाए या मामला कैसे निकले। देखिए आप पहले देखिए कि यील्ड खराब हो, तकरीबन 18वीं तरमीम पास हुई, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डेलीगेट हो गए, उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी दौर जी, उस 18वीं पास हुई ना 2008-9-10 में पास, लोग तो 2006 से शोरूम चाह रहे थे जब बीटी क्वार्टर आई है। देखिए बीटी आपको एक पर्टिकुलर उसके बेस्ट के अगेंस्ट देता है ना, अगर आपका फ्रूट फॉल हो रहा है, आपका प्लांटेशन टाइम अलग है, आपकी वैरायटी में यूज देने का पोटेंशियल भी। वो कहते थे 1992 के अंदर आप 1,40,00,000 प्लस पेन देते हैं, फिर आप 2014 में आके देते हैं। बीटी कॉटन जब आई है वो एक जहर आ रहा था, पूरा माफिया आया और जिसने आपको इस चीज पे लगाया और उसके एंड रिजल्ट जो है आज आप फेस कर रहे हैं। नहीं ये नहीं है, मैं आपको उसी में बता रहा था कि जब ये 18वीं तकनीक के बाद जब रिसर्च का और ये काम चौपट हो गया, एक दो साल तो पता ही नहीं था कि बीसीसी का होगा, हाँ कुछ पता नहीं क्या मतलब, फिर कभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में गई, कभी इधर गई, कभी उधर गई, तो वो इधारे प्रोविंस को या तो अडॉप्ट करने चाहिए थे अपने उसमें। उसके बाद आपने देखा कि 2000 में बलदियाती इलेक्शन कब हुए थे पंजाब में, जो देखा कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आला थे, उन्होंने सारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को भेज दिया इलेक्शन ड्यूटी, इट वॉज क्रूशल, कॉटन की फसल तैयार थी, लोग भी लग गए, वो भी लग गए। जब वो वापस आए तो खेत उजड़ चुके थे, बिग बॉल वॉच, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि जब उसको छोटी स्टेज पे नहीं पकड़ा गया और पूरे पंजाब में कर गया। फिर आप बात करते हैं कि जब बाहर से रुई आती है क्वारंटीन करते हैं, स्प्रे करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, सारे आपकी इंटर प्रोवेंशन बिहारी से बिल्कुल खास रुई आ रही है और बीमार हो उसमें से कीड़े लटक गिर रहे हैं वो रास्ते में, वो कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। देखिए हमने उनको बताया कि आपको लोकल क्वारंटीन, देखिए बीमारियाँ एक हकीकत है कि आती रहेंगी, पैथोजन जो है ये अपने आप को दोबारा जो है वो रिवोल्यूशन से जाते रहेंगे। इसका सबसे पहले होगा कि अगर कोई चीज़ बुरे वाला में खराब हुई है तो वो बुरे वाला। इस चीज़ के ऊपर मैंने जो मैं एक छोटा सा इसमें मैंने बड़ा इस चीज़ पे किया, हम अगले चूंकि अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हम इसको शॉर्ट में हम रिकॉर्ड करते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं। व्यूअर्स हम यहाँ पे अपना पहला हिस्सा खत्म करते हैं और लकड़ी चूंकि आसिफ इनाम साहब है और हमें एक्चुअली मसला समझने में और उस मसला को हल करने में इनकी जो है तजर्बा और हर चीज़ को सामने रखना पड़ेगा। जो बात भी कह रहे हैं उसके पीछे एक पूरी रिसर्च है इनकी और नेचुरली ये कारोबार का पूरा जो है इन्होंने वो साइकिल भी देखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेट्स आदित्य, थैंक यू वेरी मच।